अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग। दरअसल वो टेक्निक है जिसमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। एक डेटा टाइप के डेटा को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। ये बेस्ट फीचर है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू किसी वैल्यू के डेटा टाइप को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इसका टाइप कास्टिंग। कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट इनटू इंटीजर, कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा इनटू इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर आर कन्वर्टिंग ऑफ इंटीजर इनटू फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इसका टाइप कास्टिंग। अब इसकी दो अकसाम हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है कि प्रोग्रामर टाइप कास्टिंग नहीं करता, कन्वर्जन नहीं करता, ऑटोमेटिकली कंपाइलर कर लेता है। द ऑपरेंड्स इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ दिस सिमिलर टाइप। जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होती है तो अगर इंटीजर के दरमियान तो दोनों इंटीजर होने चाहिए या दोनों अरिथमेटिक होने चाहिए, तो अगर नहीं होते तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन जिसमें जो ऑपरेंड्स होते हैं वेरिएबल्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, वो ऑपरेंड होते हैं जिन पे काम होता है, जिन पे ऑपरेटर अप्लाइड होते हैं, उनको ऑपरेंड्स कहा जाता है। तो जब वो मुख्तलिफ डेटा टाइप के हो तो उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। इन दिस केस द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कैलकुलेटेड टू लार्जर डेटा टाइप। जब मिक्स टाइप एक्सप्रेशन हो, एक जो है इंटीजर डेटा हो, दूसरा जो है फ्लोट हो, तो इस किस्म में फिर क्या होता है कि रिज़ल्ट जो है लार्ज डेटा टाइप में कैलकुलेट होता है। अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये टेबल गिवन है, जब एक्सप्रेशन एक कैरेक्टर होता है दूसरा फ्लोट होता है तो रिज़ल्ट इसका फ्लोट में आएगा। इंटीजर माइनस लॉन्ग होता है, ठीक है, इंटीजर डेटा होता है और फिर लॉन्ग, तो रिज़ल्ट हमेशा बड़े डेटा टाइप में आता है। इंटीजर मल्टीप्लाई बाय डबल, तो डबल जो है क्या है आपके पास लार्जर डेटा टाइप है, तो रिज़ल्ट भी लार्जर डेटा टाइप में आएगा। इसी तरह फ्लोट को जब हम लॉन्ग डबल में डिवाइड करेंगे तो अब इसमें जो लार्जर डेटा टाइप है वो लॉन्ग डबल है, तो रिज़ल्ट भी लॉन्ग डबल में आएगा। ठीक है, अब हम इसके दो अकसाम पढ़ेंगे। एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज़ परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर। एक्सप्लिसिट पर जो टाइप कास्टिंग होती है वो प्रोग्रामर करता है, और इसका सेंटेक्स क्या है, टाइप जिसमें कन्वर्ट करना होता है, एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना होता है, और टाइप मतलब यहाँ पे अगर हमने इस एक्सप्रेशन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम इंटीजर लिखेंगे, अगर इस एक्सप्रेशन को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंसिडर द एग्ज़ाम्पल इंटीजर x, फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंटीजर x आपके पास नॉर्मल वेरिएबल है, फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। अब ये डेसिमल पॉइंट है, इसका मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है। अब अगर हम चाहें कि x में इसकी सिर्फ इंटीजर डेटा हम x में स्टोर करें, तो इसमें ये इंटीग्रल पार्ट है और ये आपके पास रियल पार्ट है। ये दरअसल मिक्स नंबर है, ठीक है, फ्लोट। तो अब x में हम रखना चाहते इंटीजर ऑफ पाई, इंटीजर, यहाँ हमने इंटीजर डेटा टाइप लिखा, पाई का इंटीजर जो पार्ट है उसको x में रखा जाए, स्टोर किया जाए, असाइन करें असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। तो यहाँ पे 3.14 पाई में पड़ा है, इसका ये पार्ट 3 स्टोर हो जाएगा x में। इन द अबव कोड द फ्लोट नंबर 3.14 इज कन्वर्टेड टू एन इंटीजर वैल्यू। अब ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, इसलिए कि हम खुद प्रोग्रामर खुद कन्वर्ट कर रहा है फ्लोट को इंटीजर में। हेंस द टाइप कास्टिंग ऑपरेटर इज इंटीजर है, Another way for explicit typecasting is to precede the expression to be converted by the type and enclose the expression between parentheses. ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम parentheses में enclose करें और बाहर integer को ऐसे ही रख दें. ठीक है, अब आपके पास ये X implicit typecasting. Double A is equal to 3. Int B is equal to 3.14. अब ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसके साथ 0.0 लगा देगा ऑटोमेटिकली. इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. अब इंटीजर B इज इक्वल टू 3.14 जबकि इंटीजर है, लेकिन हमने असाइन किया है फ्लोट डेटा, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये हिस्सा डिस्कार्ड कर लेगा और 3 को B में स्टोर कर लेगा. तो इस यहाँ पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है. बी इंटीजर है लेकिन असाइन हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए फ्लोट डेटा, तो कंपाइलर ये हिस्सा डिस्कार्ड कर लेगा और बी में 3 आ जाएगा. अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग देखें. इंटीजर एक्स, फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14, इंटीजर ऑफ पाई. तो इधर आपके पास पाई में वैल्यू पड़ी है 3.14 जो कि फ्लोट डेटा है डेसिमल पॉइंट, और इंटीजर में तो होल नंबर आते हैं. तो कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा कंट्रोल पाई से इंटीजर ले लेगा और एक्स में स्टोर कर लेगा. तो खुलासा ये है कि इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग में ऑटोमेटिकली कंपाइलर कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, जबकि एक्सप्लिसिट में हम ये सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे कि जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है वो लिख देंगे पहले, और जिस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना होता है वो लिखेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. अल्लाह हाफिज़.